सो गाइस फिर से आप सभी के लिए धमाकेदार वीडियो लेके आ चुका हूं। दोस्तों फ्लिपकार्ट बी से भी इंडिया के नाम से सेल लाइव स्टार्ट हो गया, आज हो गए 4 मई और भाई ये प्लस मेंबर के लिए सेल लाइव स्टार्ट हो गया और भाई 5 मई सभी के लिए भाई सेल लाइव स्टार्ट हो जाएगा। और भाई आपको इस सेल में जितना भी भाई यहाँ पे मोबाइल लिस्टिंग किया कितना तक आपको ऑफर मिलेगा वो भी बताने वाला हूँ, फुल डिटेल बताने वाला। वीडियो भाई शुरू लास्ट तक जरूर देखना, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी भाई जरूर दबाना, आपको यहाँ पे नए नए वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इसी चैनल पर सबसे पहले उसको वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ देखो भाई फ्लिपकार्ट बी सेवन इंडिया के नाम से यहाँ देखो भाई सेल लाइव स्टार्ट हो चुका है। और अगर आपको यहाँ पे मोबाइल परचेस करना है तो गाइस आपको यहाँ पे मोबाइल वाले ऑप्शन में क्लिक कराऊँ, मोबाइल वाले जैसे मैं ऑप्शन क्लिक कराऊँ जितना भी भाई यहाँ पे सेल में लिस्टिंग किया मोबाइल आपको यहाँ पे सभी मोबाइल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 5G आप देखो स्मार्टफोन में क्लिक करता हूँ, जितना भी 5G स्मार्टफोन होगा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, 5G स्मार्टफोन में क्लिक किया उसके बाद दोस्तों यहाँ देखो भाई लेटेस्ट स्मार्टफोन है सैमसंग का F14 5G स्मार्टफोन है देखो यहाँ पे भाई, और ये 12,000 रुपये आपको साथ देखने को मिलेगा। ठीक है, 12,000 रुपये बैंक ऑफर लगा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप गूगल पिक्सल 6 यानी परचेज करते जो कि 25,499 रुपये बताया जा रहा है, उसके बाद देखो वीवो यानी वीवो का जो T2 5G है जो भाई ये भी आपको बैंक ऑफर लगा के आपको कितना मिल जाएगा 17,499 रुपये। ठीक है, ये 8G वाला है रैम है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे Redmi Note 12 Pro Plus भी आपको 5G भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 26,499 रुपये साथ देखने को मिल जाएगा। इसी टाइप से देखो भाई पोको का X5 5G स्मार्ट जो कि 15,000 रुपये साथ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, गूगल पिक्सल 7 Pro 66,000 रुपये है, नथिंग फोन 1 5G 28,000 रुपये में साथ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद वीवो V27 आपको यहाँ पे मिल जाएगा 31,000 रुपये में। इसी टाइप देखो यहाँ पे ओप्पो का 80 5G 24,000 रुपये में साथ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जितना भी 5G स्मार्टफोन है आपको यहाँ पे ये सब देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो मैं आपको एक लगाएं दिखाता हूँ कि कौन कौन से यहाँ पे देखो लिस्टिंग। पहले यहाँ देखो भाई ये गैलेक्सी F14 5G है 12,000 रुपये में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ वीवो का T2 5G 17,500 रुपये में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे गैलेक्सी F23 5G 13,000 रुपये में मिल जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे मोटो का G62 5G 6 और 128 का 14,500 रुपये मिल जाएगा। इन्फिनिक्स हॉट 20 5G 10,000 रुपये मिल जाएगा। मोटो का G73 4G 17,000 रुपये मिल जाएगा। वीवो V27 31,000 रुपये मिल जाएगा। ओप्पो A15 है जो कि आपको कितना मिल जाएगा 81,000 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखो यहाँ पे वीवो T2X आपको यहाँ पे 12,249 रुपये मिल जाएगा। रियलमी 10 11,499 रुपये मिल जाएगा। पोको X5 5G 15,000 रुपये मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो आईफोन अगर आप 13 परचेज करते जो कि आपको यहाँ पे 55,749 रुपये मिल जाएगा। इसी तरह देखो यहाँ पे गैलेक्सी ये है कौन है S21 FE जो कि 30,000 रुपये साथ देखने को मिल जाएगा, जो कि 2020 में भी आपको ऑफर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सा बैंक ऑफर मिलेगा, आप ये भाई कन्फ्यूज होंगे। ठीक है, चलो वीवो का T2X में यहाँ पर लेता हूँ, वीवो का पहले T2 ले लेता हूँ। ठीक है, 8GB और 128GB कितना दाम है 21,000 रुपये। 21,000 रुपये साथ साथ आपको बैंक ऑफर कौन कौन से मिलेगा वो दिखा दो। SBI बैंक क्रेडिट कार्ड पे 715 एक्स्ट्रा 715 1500 रुपये आपको ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, वीवो T2X पे ये X नहीं है T2 है। ठीक है, 5G उसके बाद मैं यहाँ पे दिखाता हूँ वीवो का T2XF। ठीक है, T2X है जो कि आपको ये कितना दाम है, ये 8GB और 128GB है। ठीक है, चलो 8 128 का 16,000 रुपये दाम है, आपको कितना मिल जाएगा ये 15,249 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, 750 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कम GB अगर आप 6GB वाला लेंगे तो 6GB वाला कम कीमत है। ठीक है, 14,000 रुपये दाम है, यहाँ पे इजीली आराम से यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, 4 128 का दाम है, 13 दाम है। ठीक है, लेकिन ये नॉट डिलीवर अभी बताएगा जरा मेरे पिन कोड पर। ठीक है, उसका चलो मैं iPhone 13 दिखाता हूँ। iPhone 13 पर 58,000 रुपये दाम है। 58,000 रुपये साथ साथ आपको भाई यहाँ पे कितना बैंक ऑफर है, पहले बैंक ऑफर देख लो। यहाँ पे SBI बैंक क्रेडिट कार्ड पर 750 और एक्स्ट्रा 500 रुपये यानी 1250 रुपये आपको साथ यानी डिस्काउंट मिला है, और 56,749 रुपये आपको ये मिल जाएगा iPhone 13। ठीक है, तो सिंपल से फंडा आप समझ गए। उसके बाद चलो यहाँ पे एक गैलेक्सी का मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो गैलेक्सी का ये फ़ोन कौन सा है, S21 FE 5G है। उसके बाद 32,000 रुपये दाम है, 32,000 साथ साथ आपको बैंक ऑफर कितना मिलेगा, मैंने भाई चेक किया तो 2,000 रुपये बैंक ऑफर मिल रहा है। तो यहाँ देखो SBI बैंक का ऑफर नहीं है, ये HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड पर। ठीक है, तो 2,000 रुपये आपको ऑफर मिल जाएगा S21 FE 5G पर। ठीक है, उसके बाद चलो और दिखा दो और कौन कौन सा फ़ोन है। Redmi Note 12 Pro Plus दिखा देता हूँ, Redmi Note 12 Pro पर कितना तक है, 30,000 रुपये दाम है, 8 256 GB का दाम है। पहले आप देखो भाई रैम देख लो, 8 256 GB Redmi Note 12 Pro। उसके बाद आपको बैंक ऑफर कितना मिलेगा, तो बैंक ऑफर आपको 3,000 रुपये ऑफर है। और कितना बैंक ऑफर है, तो भाई इसमें 4-5 बैंक ऑफर होगा, सॉरी 4-5 नहीं 2 बैंक ऑफर है। ठीक है, और 4-5 बैंक ऑफर है, कौन सा वो बैंक कौन सा मोबाइल पर वो भी बताऊँगा। ठीक है, पहले SBI बैंक पे है, HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड पर 3,000 रुपये ऑफर है। ठीक है, और दिखा दो मैं दूसरा कौन सा मोबाइल
था जो कि 4-5 बैंक पे ऑफर मिल रहा है। चलो मैं चेक कर लेता हूँ, ये पोको का X5 Pro 5G जो कि भाई ये कितना है, 25,000 रुपये, 25,000 के साथ आपको 750 रुपये SBI बैंक क्रेडिट कार्ड पे ऑफर है, ठीक है। चलो मैं एक दूसरा स्मार्टफोन दिखाता हूँ, कौन सा ले लूँ। चलो रियलमी का 10 प्रो प्लस मैं लेता हूँ जो कि 26,000 रुपये दाम है, 8 128 GB का रियलमी 10 प्रो प्लस है। और इसमें कौन सा बैंक ऑफर है, तो इसमें देखो भाई 1,000 रुपये आपको यहाँ पे 15 यानी मानो कि 2,000 रुपये सकती मिल जाएगा, ठीक है। 24,000 रुपये, 26,000 का दाम है तो 24 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी कोई डिस्काउंट 2,000 रुपये तक ऑफर है। चलो यहाँ पे गूगल पिक्सल 6 से मैं देखता हूँ, और थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। चलो मैं गूगल 6 से, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये प्रॉब्लम दे रहा है। और चलो मैं दूसरा फ़ोन देख लेता हूँ, एक रियलमी का GT Neo 3T। चलो यहाँ पे रियलमी का एक कौन सा फ़ोन है, रियलमी का GT Neo 3T है जो कि भाई इसका दाम था 25-26,000 रुपये जो कि 20,000 रुपये मिले, 5,000 रुपये सोचो पहले ऑलरेडी कट कर चुका है प्राइस, ठीक है। और दिखा दो कितना तक ऑफर है, तो गाइस यहाँ देखो आपको यहाँ पे 19,000 रुपये बताया, ठीक है। एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पे 1,000 रुपये ऑफर है, उसके बाद आपको 2,000 यानी 20,000 रुपये फोन है, आपको 19,000 मिले, ठीक है। तो 1,000 रुपये ऑफर है। चलो और दूसरा मैं फोन दिखाता हूँ, दूसरा फोन में कौन है, Nothing Phone 1 में लेता हूँ 5G, 28,000 रुपये दाम है, 30,000 रुपये फोन जो कि आपको कितना तक बैंक ऑफर मिलेगा ये भी देख लो, आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, मोटा मोटी मान लो 1,500 रुपये तक आपको ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। ये भाई कितना GB वाला है, ये 8/256 GB वाला है। अगर आप यहाँ पे ब्लैक कलर परचेस करते जो कि आपको 30,000 रुपये देना पड़ेगा, अगर आप व्हाइट कलर परचेस करते आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। चलो मैं एक दूसरा दिखा देता हूँ, दूसरा कौन सा, आईफोन 11 में यहाँ पर चेक करता हूँ। आईफोन 11 का 44,000 रुपये दाम है, 44,000 रुपये साथ साथ आपको बैंक ऑफर कितना मिलेगा, तो बैंक ऑफर आपको यहाँ पे 2,000 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। कितना रुपये मिलेगा, 750 एक्स्ट्रा, 750 यानी 1,500-1,500 रुपये आपको एक्स्ट्रा और मिल रहा है, यानी SBI बैंक के टिकट पे जो कि आपको 2,000 रुपये, आपको 44,000 रुपये फोन है आईफोन 11 जो कि आपको 42,000 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी अच्छा खासा ऑफर है। चलो आईफोन 14 देख लेता हूँ, आईफोन 14 पे 66,000 रुपये बताया जा रहा है बैंक ऑफर लगा कि ये 68,000 रुपये, इसमें भी आपको 2,000 रुपये ऑफ मिल जाएगा। तो अगर आपको आईफोन 14 परचेस करें तो आपको यहाँ पे 2,000 रुपये ऑफ है मिल रहा है, तो इसमें भी आप परचेस कर दे। चलो और फोन दिखाता हूँ, और ये कौन सा फोन ले लूँ, चलो गूगल पिक्सल 7 ले लेता हूँ, 7 तो ये भी भाई कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक मैं यहाँ पे कौन सा ले लूँ, चलो उसके बाद चलो रियलमी का C55 ले लेता हूँ, और 11,000 रुपये दाम है, 4GB 64GB का 11,000 रुपये, साथ साथ आपको बैंक ऑफर मिलेगा 750 SBI बैंक क्रेडिट कार्ड पर, ठीक है। अगर भाई ये मोबाइल अगर मेरे को छूट जाता जो भी मोबाइल, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उस मोबाइल का प्राइस बता दूंगा, बैंक ऑफर लगा कितना सक मिला, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग देख लो, ये सब फोन आपको यहाँ पे लिस्टिंग साथ देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे वीवो का भी फोन आपको जबरदस्त लेटेस्ट फोन है, 55,000 रुपये का अंदर में आपको मिल जाएगा, ठीक है, 54,499। एक वीवो का X90 Pro है जो कि आपको 77,000 रुपये मिल जाएगा, ठीक है, 8,000 रुपये बैंक ऑफर लगा के डिस्काउंट के साथ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद और देखो यहाँ पे फोन इस टाइप से आपको बहुत सारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपको जो भी मोबाइल अगर आपको यहाँ पे छूट चुका है भाई, आप मुझे यहाँ पे कमेंट जरूर करना, मैं आपको भाई कमेंट पे जरूर रिप्लाई दूंगा। जो भी मोबाइल छूट चुका है यानी आपको प्राइस नहीं बता पाया, तो मैं आपको जरूर भाई उस मोबाइल का प्राइस बता दूंगा, ठीक है। चलो ये मोबाइल आपको दिखा दिया हूँ, चलो आप मैं एक कौन सा ले लूँ, एक थोड़ा सा सैमसंग मैं आपको दिखा दूँ, सैमसंग का बहुत ज़्यादा ऑफर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सैमसंग भी बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट आते रहता है, ठीक है। चलो एक मैं सैमसंग का ले लेता हूँ, S23 है, ठीक है, S23 ये 5G है, और ये कितना मिलेगा, 80,000 रुपये दाम है, 80,000 रुपये साथ साथ आपको यहाँ पे बैंक ऑफर कितना मिलेगा, बैंक ऑफर भाई जबरदस्त ऑफर है, ठीक है, जबरदस्त कैसे, 10,500 रुपये बैंक ऑफर है, ओ माय गॉड, सोचो यार 80,000 रुपये का फ़ोन है जो कि आपको कितना मिल जाएगा, 70,000 रुपये अंदर मिल जाएगा, सोचो यार 10,000 रुपये ऑफर मिल रहा है, सोचो यार गैलेक्सी S23 5G 8GB 256GB जो कि कितना ऑफर है, 10,000 रुपये बैंक ऑफर है भाई, जबरदस्त डील चल रहा है, इसको तो भाई स्कूजी मत करो, ठीक है। उसका चलो मैं दूसरा और दिखा देता हूँ, और दूसरा कौन सा ले लूँ, चलो यहाँ पे कौन सा, चलो ये भी देखता हूँ गैलेक्सी का जो कि 5G भी है, 31,000 रुपये दाम है, 31,000 रुपये के साथ साथ आपको बैंक ऑफर 3,000 रुपये है ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड पर, ठीक है, जबरदस्त डील इसमें भी चल रहा है, मक्खन वाला आपको यहाँ पे डील चल रहा है, तो जल्दी जाओ यार ऑफर लूटो, ऐसा ऑफर मत छोड़ो। चलो मैं S22 Plus का दिखा देता हूँ, 70,000 रुपये दाम है, 70,000 रुपये के साथ साथ आपको बैंक ऑफर कितना मिलेगा, तो ओनली कोई खास ऑफर नहीं है, ठीक है, बकवास है, इसको मैं बोलता हूँ बकवास सेल, ठीक है यार, कोई खास सेल नहीं है, देखो 750 यानी 1,250 रुपये ऑफर मिला टोटल मिला के, ठीक है, तो बकवास डील है, इसको मत परचेस करना, ठीक है, जो भाई बेस्ट डील मिल रहा है उसी को परचेस करना, ठीक है। जबरदस्त डील चले, लैपटॉप दिखा तो लैपटॉप पर कितना ऑफर मिलेगा, लैपटॉप में यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओके कुछ देर वेट करो भाई, मैं वो लैपटॉप ही दिखा रहा हूँ, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप भी दिखा रहा हूँ, और लैपटॉप एंड डेस्कटॉप पर मैं क्लिक किया हूँ, उसके बाद यहाँ पे एक मैं HP का ले लेता हूँ, HP को मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद पहले इसका प्राइस देखो कितना रुपये दाम है, और 37,490 रुपये आपको बैंक ऑफर कितना मिलेगा, वो भी भाई आपके सामने लाइव प्रूफ साथ दिखाई मिला हूँ,
तो आप देखो 1250 इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है 1250 500 यानी 1250 2500 3000 रुपये 6000 रुपये ऑफर मिला है भाई, जबरदस्त चल रहा है, मक्खन वाला डील चल रहा है, तो जल्दी जाओ भाई इसको भी डील को ग्रैब करो। HP का जो कि 6000 रुपये आपको ऑफर मिला है लैपटॉप, जबरदस्त भाई डील चल रहा है, ठीक है। टैबलेट का अगर आपको फोन लेना है तो टैबलेट का भी बुकिंग, चलो टैबलेट का सैमसंग को मैं सेलेक्ट करता हूँ, 45000 रुपये दाम है, 45000 रुपये के साथ साथ आपको बैंक ऑफर कितना मिलेगा जो कि आप देखो 1750 रुपये ऑफर है, जो कि भाई जबरदस्त डील चल रहा है इसमें भी, तो जल्दी जाओ भाई ऑफर लूटो। अगर आपको यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको छूट चुका मेरे से आप मुझे भाई कमेंट करना, मैं आपको जरूर भाई रिप्लाई दूंगा, क्योंकि भाई वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो ये छोटा सा कुछ जानकारी देना था कि भाई फ्लिपकार्ट पे बिग सेविंग डे के नाम से सेल लाइव स्टार्ट हो चुका है, जो कि भाई ये प्लस मेंबर के लिए आज से लाइव स्टार्ट होगा, आज हो गया भाई 4 मई हो गया, और भाई कल से सभी के लिए सेल लाइव स्टार्ट हो जाएगा 5 मई से, और ये भाई 10 मई तक सेल चलने वाला है, कि जो भाई काफ़ी ज़बरदस्त भाई यहाँ पे प्रोडक्ट पर डिस्काउंट मिला है, कुछ कुछ मोबाइल पर जबरदस्त भाई डिस्काउंट मिला है, और कुछ कुछ लैपटॉप पर 6000 रुपये तक आपको ऑफर मिलेगा। तो जल्दी जाओ भाई ऑफर लूटो, और आपको भाई जबरदस्त ऑफर मिलेगा देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबा देना। दोस्तों बाय बाय दोस्तों।